कानपुर हत्याकांड में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत और मुख्य आरोपी विकास दुबे के सफाई के बाद यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसके तहत पूर्वांचल के माफिया डॉन और टॉप 10 बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा माफिया विनोद कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसका खुलासा करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कोतवाली थाने की पुलिस द्वारा माफिया विनोद उपाध्याय की गोरखपुर क्षेत्र से गिरफ्तारी करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली में धारा 384 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें विनोद उपाध्याय नामजद अभियुक्त थे। माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में कोतवाली पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, बहुत जरूरी है कि घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, एक दूसरे से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, शारीरिक संपर्क छूने या भीड़ भाड़ में रहने से आरोग्य सेतु ऐप एवं आयु सुरक्षा कवच का प्रयोग करें। कोरोना से कवच की आवश्यकता नहीं है। थाना कोतवाली में एक अभियोग धारा 384 IPC का पंजीकृत हुआ था, इनके विरुद्ध नामजद थे और उसी में माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में हमारी कोतवाली पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जाएगा। गिरफ्तारी यहीं से गोरखपुर से क्षेत्र से ही हुई है और आज उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभी नाम इन पर घोषित नहीं था, अभी इनके लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास अवश्य है और उसको भी खंगाले जा रहे हैं कि और इन किन किन मुकदमों में वांछित हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई हो। अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है, इनकी गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है।